मैं हिंदू हूँ और मुझे मुसलमानों से उतना ही प्यार है जितने मेरे को अपने हिंदू भाइयों बहनों से प्यार है। और वो मैं सिर्फ भाई बहन नहीं, हम भाई बहन पति पत्नी सब बनते हैं। तुम्हारी जैसी जिंदगी नहीं है जो एकदम नीच और नैरो माइंडेडनेस में है। ये देश आरएसएस का नहीं है, ये देश उन लोगों का है जो पढ़ना लिखना चाहते हैं और साथ में रहना चाहते हैं। जो भी मॉब लिंचिंग काफी सालों से, 4-5 सालों से चल रही है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। एंड अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि इससे स्टेट या कंट्री का इंसल्ट होता है, इफ़ यू वॉन्ट आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज वन ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, अगर मेरे वायलेशन होता है, मेरे दोस्तों का होता है, मेरे आसपास के लोगों का होता है, उनकी आवाज़ उठाने में मैं स्टेट की इंसल्ट कर रही हूँ, तो शायद वो शर्मनाक है, क्योंकि स्टेट की इंसल्ट वो कर रहे हैं मॉब लिंचिंग के ऊपर चुप्पी साधने पर, कुछ बोलने पर। एक कॉन्डमनेशन से उनका कुछ बिगड़ नहीं जाता, एक कॉन्डमनेशन से जितने उनके फॉलोअर्स हैं शायद उनको सबक मिल जाता है कि आपको इन पे हाथ नहीं उठाना। आप किसी को कुछ भी कह सकते हैं, हम उतना बर्दाश्त कर लेते हैं, पर आप किसी पे हाथ नहीं उठा सकते। मैं हिंदू हूँ और मुझे मुसलमानों से उतना ही प्यार है जितने मेरे को अपने हिंदू भाइयों बहनों से प्यार है। और वो मैं सिर्फ भाई बहन नहीं, हम भाई बहन पति पत्नी सब बनते हैं। तुम्हारी जैसी जिंदगी नहीं है जो एकदम नीच और नैरो माइंडेडनेस में है। ये देश आरएसएस का नहीं है, ये देश उन लोगों का है जो पढ़ना लिखना चाहते हैं और साथ में रहना चाहते हैं। तुमसे पूछकर कोई नहीं यहाँ पर कोई कुछ करेगा और कुछ नहीं करेगा। अगर मुझे अफसोस होता है कि हम ऐसी सिचुएशन में हैं कि जहाँ पे अपना जस्टिस मांगने पर भी ये बोला जाता है कि हम हेट स्प्रेड कर रहे हैं। वी आर नॉट स्प्रेडिंग हेट, वी आर नॉट आस्किंग फॉर रिवेंज, वी आर आस्किंग फॉर जस्टिस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिवेंज एंड जस्टिस, एंड वी विल ऑलवेज आस्क फॉर जस्टिस बिकॉज वी आर नॉट यू, वी आर नॉट लाइक यू। विल नेवर आस्क फॉर रिवेंज, वील आस्क फॉर जस्टिस फॉर एवर एंड एवर, एंड यू विल हैव टू बो डाउन टू आर डिमांड फॉर जस्टिस, एंड यू विल गो टू जेल हूएवर इज इम्प्लीकेटेड इन दिस केस। एंड आपने संजीव भट्ट को अंदर डाल दिया क्योंकि जुडिशियल कस्टडी में उनको अंदर डालना चाहिए था, पर अभी आपने सीसीटीवी देखा कि तब्रेज को थ्रैश करके दो पुलिसमैन जिनको सस्पेंड किया गया उन्होंने लेके गए, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दीजिए, पर नहीं, आवाज़ नहीं उठती। ऑपोजिशन ने आज पहली बार आवाज़ उठाई तो अरेस्ट भी हो गए, सस्पेंड भी हो गए पुलिस वाले। ये ऑपोजिशन भी 4 साल चुप रहा, उनको भी बोलना चाहिए था। सिर्फ पार्लियामेंट में जाने से, पार्लियामेंट में आवाज उठाने से मोदी के जो मीडिया पीपल है उनको भी उठानी पड़ती है ये बात, क्योंकि वो पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ तो टाइम्स नाउ जैसे सोल्ड आउट पीपल को भी उठाना पड़ा था ये इशू। एंड इसलिए ऑपोजिशन स्टूडेंट्स हर टाइम मार्च कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट ऑपोजिशन को पार्लियामेंट में बोलना होगा, जितना तेज बोल सकते हैं वो बोलना होगा, और अपने राइट्स को सीखिए जानना। मैं हम बोलते हैं कि हम कुछ कर देंगे, हम सिर्फ साथ में आकर खड़े हो सकते हैं। कभी हम विमेन पे हो, दलित पे हो, माइनॉरिटीज हो, सिख क्रिश्चियन मुस्लिम्स, अगर वो ग्रुप्स पे बाहर आकर एजिटेट नहीं करते, प्रोटेस्ट नहीं करते विच इज़ नॉन वायलेंट, तो वो स्टेट नहीं सुनेगी जो आपको ऑप्रेस करना चाह रही है। यू हैव टू मेक देम लिसन टू यू एंड दैट इज़ आवर राइट। You cannot oppress us because you owe your position to us. We don't owe anything to you. We don't owe anything to you. तुम कभी भी इस सत्ता से हट सकते हो, पर हम यहाँ पर रहे हैं, जिए हैं, मरे और सबके साथ रहेंगे। मैं हिंदू हूँ और मुसलमान को उतना ही प्यार करती हूँ, कितना कह सकते हो मुझे कुछ कहो तो।